हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे टेरेस गार्डन में स्वागत है। और आज का ये फ्लावर कैसा लग रहा है आप सभी को? आज इस फ्लावर की फर्स्ट ब्लूमिंग हो रही है मेरे टेरेस गार्डन में। पर्पल कलर का ये फ्लावर, बीच में बिल्कुल डीप कलर का येलो सेट, कितना खूबसूरत लग रहा है ये फ्लावर। तो मैंने आज आप सबके साथ इसे प्लांट को साझा करने का सोचा है। तो फ्रेंड्स, ये वाइल्ड बटरफ्लाई प्लांट की एक वैरायटी है। जस्ट बटरफ्लाई प्लांट की तरह ही है, बस इसकी पत्तियां ग्रीन कलर की है और धूप के चढ़ते उतरते के साथ इसकी पंखुड़ियां यानी कि इसके लीव्स तितलियों की पंख की तरह कभी खुलकर फैलते हैं और कभी सिमटते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इसके लीव्स बड़े खूबसूरत होते हैं और इस प्लांट में ये स्टिक निकलकर आ रहे हैं, साथ में बर्ड्स भी हैं और इसके बाद इनकी फ्लावर इस तरीके से ब्लूम कर रहे हैं। तो फ्लावर थोड़े बड़े से हैं प्लांट के अंदाज में और बहुत खूबसूरत कलर को लिए हुए है। ये पर्पल कलर बिल्कुल डीप पर्पल कलर है जैसा आप देख रहे हैं और बीच से फ्लावर का बीच वाला पोर्शन येलो कलर का है। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट मुझे रोड साइड से ही मिला था, जहां मैंने एलोकेशिया के प्लांट को पाया था। मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि मुझे एलोकेशिया का प्लांट भी उसी जगह मिला जहाँ ये बटरफ्लाई प्लांट की ये वैरायटी मुझे मिली। तो फ्रेंड्स, मैंने जब इसे निकाला था तो इसके जो राइजोम थे वो बिल्कुल लहसुन की कली की तरह थे और मैंने उसे उठाकर घर ले आया था और उसके बाद इसे मैंने एक पॉट में डालकर छोड़ दिया था। और इस पॉट में कुछ दिनों के बाद एक भी लीव्स या ब्रांच नहीं थे, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था ऊपर से प्लांट, लेकिन इसके जो राइजोम थे वो अंदर मिट्टी के अंदर सही सलामत थे। कुछ दिनों के बाद मैंने देखा इसमें से ये बटरफ्लाई की शेप लिए हुए लीव्स बाहर आ रहे हैं लंबी डंडियों के साथ। तो मुझे भरोसा हो गया कि ये प्लांट सरवाइव कर जाएगा। और ये देखिए, अब कुछ दिनों के बाद ही इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हुई है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस प्लांट के राइजोम को लगाया था एक प्लास्टिक के पॉट में और सॉइल को रखा था बिल्कुल वेल ड्रेन्ड। गार्डन सॉइल के साथ मैंने रेत की मात्रा को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स किया था और कंपोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। बस इसी तरीके से मिट्टी को तैयार कर मैंने इसके राइजोम को इसमें दबा दिया था। फिलहाल जब मैं दूसरे पौधों को थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ तो थोड़ी बहुत इसमें भी डाल देती हूँ, पर बहुत कम। इसमें ही इसके लीव्स बड़े अच्छे से ग्रीन कलर के हैं और बड़े अच्छे से बटरफ्लाई की शेप को लिए हुए हैं। और ये देखिए, इसके जो फ्लावर्स हैं उसके साथ किस तरीके से कलियाँ भी लटकी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, प्लांट तो खूबसूरत है ही, ये देखिए इसके लीव्स। और इसके साथ जब इस तरह के खूबसूरत फ्लावर भी मिल जाते हैं तो मन खुश हो जाता है। मैंने इस प्लांट को पूरी धूप में ही रखा है और इसमें ही ये आराम से चल रहा है। मैंने इसे शेड में रखा था तो इसकी जो लीव्स पत्तियां हैं वो अपने पंखों को बंद करके रखती थी और जब मैं धूप में निकाला है तो मैंने देखा कि ये अपने जो लिप्स जो हैं इसके, ये खुलते हैं और फिर बंद होते। देखिए, अब कुछ लिप्स आपको खुले हुए दिख जाएंगे, ये बिल्कुल लगेगा जैसे एक बटरफ्लाई बैठा हुआ है। हालांकि बटरफ्लाई प्लांट की जो एक मेरून कलर की वैरायटी आती है वो भी बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि उसमें कुछ धारियाँ होती हैं जो खिलकर निखर कर आती हैं। इस ग्रीन लीव्स में भी धारियां हैं लेकिन बहुत हल्की है, वो खुलकर नज़र नहीं आती है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये आपको बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह इनके लीव्स आपको लगेंगे, तो ऐसा लगता है जैसे उड़ती हुई तितली आकर बैठी हो। तो इस प्लांट की लीव्स की यही खूबसूरती होती है। और साथ में
ये खूबसूरत फूल भी अब खिलना शुरू किए हैं, तो मेरा ये पॉट तो वाकई में बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे लगाया ज़रूर है, पर मुझे पहले लग रहा था कहीं ये वो वाइल्ड वाली क्वालिटी तो नहीं है जो वेट्स के रूप में हमारे गमले में अक्सर उगाया करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो इसके आप लीव्स देख रहे हैं, ये उनके अनुपात में कुछ बड़े से हैं और लंबे स्टिक के निकलने के बाद ये लीव्स निकलते हैं। साथ ही इनके फ्लावर का कलर देखकर मैं तो बिल्कुल अब श्योर हो गई हूँ कि ये कुछ अलग किस्म का ही एक पौधा है जो बटरफ्लाई प्लांट की वैरायटी का है, बस इसके जो लीव्स हैं वो ग्रीन है। आप ये देखिए, ये है वाइल्ड वाले वेट्स जो हमारे गमलों में अक्सर यूँ ही उगाया करते हैं। और बचपन में मुझे याद है हम इनकी पत्तियों को जब खेला करते थे तब हम इनकी पत्तियों को तोड़कर यूँ ही चबा लिया करते थे, थोड़ी खट्टी खट्टी सी स्वाद आती थी। तो वो बचपन का दिन भी याद आ रहा है आप सबके साथ इस वीडियो को शेयर करते हुए। तो फ्रेंड्स, ये है दोनों प्लांट में डिफरेंस। ये है बटरफ्लाई प्लांट की फ्लावर्स जो आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और वाइल्ड वैरायटी मैंने दिखाई जो वेट्स होते हैं। तो दोनों में आप इस तरीके से अंतर कर सकते हैं, और अगर आपको भी ये प्लांट मिले या फिर कहीं आपको दिखता है तो आप लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, कम से कम इस ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए तो ज़रूर से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस ब्यूटीफुल फ्लावर को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, टिल देन बाय।